सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का वीडियो जिसमें हम कराएंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का आपका चैप्टर चला हुआ है पार्ट फिफ्थ, हम इसमें से कराएंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट फिफ्थ। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम हर एक प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं, हम कोई भी प्रॉब्लम छोड़ते नहीं। जब भी हम वीडियो कोई भी अपना नया बनाते हैं, जिस टॉपिक में से भी हम लेकर के चलते हैं, तो वहाँ से हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं आपको 100% देने का। तो आज का जो टॉपिक आपका रहेगा वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा फंक्शंस को सॉल्व करना रहेगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी कुछ बातें इसमें बताई जाएंगी। तो मैं रोज़ की ही तरह फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो पूरा देखना है। 2-4 मिनट्स का वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। किसी भी चैप्टर को जब आप करते हो, हमारे इन वीडियोज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यहाँ से जो देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल जो चैनल है, यहाँ से आपको शुरू से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारे जो डेली हम अपने वीडियोज हम पब्लिश करते हैं वो आप तक समय समय पर पहुँचते रहें और आप उनको समय समय पर ही करते रहें। ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी और आपके +2+1 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं ये वीडियो और ये टॉपिक हमारे लिए। तो देखते हैं क्या होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखिए, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड आल्सो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 7th पार्ट दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पहला काम आपका क्या है कि सभी फंक्शंस को आप लेट एफ एक्स आप मानोगे। मैं आपको शुरुआत इसकी करा देता हूं और बड़े अच्छे तरीके से मैं आपकी शुरुआत कराऊंगा, बहुत धीरे धीरे आपकी सब समझ में आ जाएगा। तो कोई भी फंक्शन आपका दिया हुआ है, कैसा भी फंक्शन आपका दिया हुआ है, लेट एफ एक्स इक्वल टू आपको मान करके वो फंक्शन चलना है। जब आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको दिखाना है तो उसके बाद में आप क्या करोगे, आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे उस फंक्शन का जिसे आपने एफ एक्स माना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका आ जाएगा 6x-4। फिर आप इस लाइन को लिखोगे 4 लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, एफ डैस एक्स इक्वल टू 0। एफ डैस एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल करोगे, वहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि x की वैल्यू आपकी 1 भी आ सकती है, x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, x की वैल्यू 3 वैल्यूज भी आपकी x की आ सकती हैं। तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, ये फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में जो x की जो वैल्यू आपकी होती है ये आपकी क्रिटिकल वैल्यूज कही जाती है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो कराया था उसमें भी सेम ऐसा ही था कि लेट एफ एक्स इक्वल टू करते थे, फिर डिफरेंशिएशन किया जाता था, उसको 0 के इक्वल किया जाता था डिफरेंशिएशन को, फिर एक्स की वैल्यू निकाली जाती थी, एक्स की वैल्यू जो निकलती थी उसको हम क्रिटिकल वैल्यूज कहते थे। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में भी एक्स की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यूज तक आपका सेम रहेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम, तो एक्स इक्वल टू आपका 2y3 आया, तो एफ डैस एक्स इक्वल 0 एट एक्स इक्वल टू 2y3। तो एफ डबल डैस एक्स, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव आप निकालोगे। डिफरेंशिएशन के चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ सेकंड डेरिवेटिव आपको कैसे निकालना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिफरेंशिएशन का वीडियोज में देख लेना, सेकंड डेरिवेटिव का एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए सेकंड डेरिवेटिव जब आप इसका निकालोगे तो 6x-4 का 6 आ जाएगा, और जब सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है तो जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का आप यूज करते हो और वहाँ से आपके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करने के बाद जो कांस्टेंट आपकी टर्म आती है डिफरेंशिएशन करते करते यदि पॉजिटिव आता है तो जो फंक्शन आपका होता है एफ एक्स हैज ए लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 2y3, और तो ये आपका लोकल मिनिमम होगा। और एक्स की वैल्यू 2y3 को आप कहाँ रखोगे,
आप एफ एक्स में रख दोगे तो एफ एक्स में आप 2y3 रखोगे x की जगह, तो आपकी ये लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आती है आपकी, कैसी वैल्यू आती है नेगेटिव, तो ये आपका फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? मैक्सिमम। यदि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करने पर नेगेटिव वैल्यू आपकी आती है बार बार डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो वो आपका लोकल मैक्सिमम होता है, और यदि आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो लोकल मिनिमम होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू अभी मैंने आपको बताया ले लेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, फैक्टराइजेशन किया जाएगा, फोर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, क्रिटिकल वैल्यूज़ निकलेंगी। क्रिटिकल वैल्यू स्टूडेंट्स आपके यहाँ टू वैल्यूज आपकी आ जाती हैं, 1 और 6। अब आप क्या करोगे, दो वैल्यूज़ हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्स की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं। उसके बाद में आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे, 6 × 2x − 7, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव आपका कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव का हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। ये आने के बाद में आप क्या करोगे, एट एक्स इक्वल टू वन पर यहाँ 1 पुट करोगे x की जगह, तो ये आपका नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पर ये लोकल मैक्सिमम होता है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए किस पर मैक्सिमम है, ये 1 पर, तो यहाँ से आप f1 की वैल्यू निकालोगे, f1 को क्वेश्चन में रखा जाएगा, तो -3 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में जो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन आपका है उसमें हम 6 × 2x − 7 में सेकंड वैल्यू को पुट कर देंगे, सेकंड वैल्यू आपकी 6 है, इसे पुट करने के बाद ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया आपका क्या होता है, लोकल मिनिमम होता है। क्या होता है? लोकल मिनिमम। फिर आप f6 की वैल्यू आप यहां से निकाल दोगे, जब आप f6 निकालोगे fx की जगह x की जगह आप 6 रखोगे, तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो मिनिमम वैल्यू आपकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए फिर वही लेट एफ एक्स हम कर लेंगे। अब मैं आपको रनिंग में बता देता हूँ, देखिए एफ एक्स f′x 4 लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, f′x = 0, एक्स की वैल्यू −1 और 6 आया, सेकंड डिफ्रेंशिएशन किया फर्स्ट वैल्यू पर, सेकंड डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव, तो लोकल मैक्सिमम हो गया। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, −1 को एफ एक्स में रख दिया जाएगा तो 37 आ जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू आपकी सेकंड डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पर ये लोकल मिनिमम हो जाएगा। लोकल मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो f6 निकाल देंगे यहाँ से, f6 आपका आ जाएगा −306, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा आपका आ जाएगा। ये आपका जो मेथड है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल देते हैं। अब हम चलते हैं आगे, आगे चलने के बाद में क्या होता है, देखिए आपका जो ये पार्ट यहाँ दिया हुआ है क्या कहता है, ये f(x = x^5 − 5x^4 + 5x^-1, फिर डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, 5x होकर कॉमन लोगे, फैक्टराइज करोगे, 4 लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f′x = 0 करोगे, उसके बाद में x की 3 वैल्यूज आपकी आएंगी, सेकंड डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, सेकंड डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए at x = 0 पर सेकंड डिफ्रेंशिएशन ये हो चुका है, तो x की जगह आप 0 रखोगे तो ये टोटल आपका 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अभी पहले आपकी जो सेकंड डिफ्रेंशिएशन या थर्ड डिफ्रेंशिएशन था वो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आपकी आती थी, बट यहाँ पर वैल्यू आपकी कैसी आई, यहाँ पर तो वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है। 0 जो होता है आपका ना तो नेगेटिव में काउंट होता है और ना ही 0 जो है पॉजिटिव में काउंट होता है। तो इस सिचुएशन में आपका जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमने अभी लगाया चेक करने के लिए ये फेल हो जाता है। यदि ये फेल हो जाएगा तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर रिवर्ट हो जाएंगे। ये तो था लोकल मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और अब हम ये फेल हो जाएगा यदि आपका सेकंड डिफरेंशिएशन या थर्ड डिफरेंशिएशन करने के बाद इसकी वैल्यू आपकी 0 आती है, तो ये फेल हो जाता है। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हेंस द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स एंड वी टेस्ट बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 0। फर्स्ट जो आपकी वैल्यू दी हुई है पहले हम उसी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, लेस देन 0 लेंगे। तो व्हेन एक्स इज स्लाइटली बहुत नज़दीक वैल्यू लेंगे, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, किस में, f′x में, तो 0 से छोटी वैल्यू क्या आपकी हो जाएगी उसको आप सोचना, तो ये आपका हो जाएगा, जैसे आप मान लीजिए
जैसे माइनस का 0.9 हो जाएगा, इसको आप मान सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ रखेंगे, तो जब आप यहाँ डिफरेंशिएशन में वैल्यूज़ रखोगे तो क्या आएगा, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका डिफरेंशिएशन है। जब आप जीरो से छोटी वैल्यू यहाँ रखोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आप रखोगे तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो 5 तो है ही, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ आप कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद अब व्हेन एक्स स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो लेंगे, जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 0.1 ले लिया, तो आप क्या करोगे फिर, आप एफ डैश एक्स में रखोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही। जब आप यहाँ 0.1 रखोगे यहाँ पर तो ये माइनस आएगा, 0.1 रखोगे ये माइनस आएगा, तब भी ये प्लस ही आपका हो जाएगा। तो ये भी आपका प्लस आया, लेस देन लेने पर, ग्रेटर देन लेने पर भी आपका ये प्लस आया। हेंस एफ एस एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीज थ्रू जीरो, सो एक्स इक्वल जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये आपका ना तो मैक्सिमम होगा ना ही ये मिनिमम होगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब आता है जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने के बाद आपके जो क्रिटिकल वैल्यू होती है उस पर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, तो वहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। या फिर हम जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर चलते हैं, जब साइन आपके चेंज नहीं होते, स्लाइटली लेस देन एक्स की वैल्यू लेने पर और स्लाइटली ग्रेटर देन लेने पर, जब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों साइन आते हैं या नेगेटिव नेगेटिव आते हैं, तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ना तो ना इधर मैक्सिमम होता है नॉर मिनिमम होता है। इसके बाद में सेकंड वैल्यू पर आप देखिए, क्योंकि इसकी 3 क्रिटिकल वैल्यूज आपकी थी एट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ डबल डैश 1 आपका आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पर ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एफ वन जो क्वेश्चन है उसमें आपका क्या रख दिया जाएगा 1, तो 0 आ जाएगा। फिर आप 3 पर देखिए एफ डैश 3, तो यहाँ पर जब आप लोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पर ये मिनिमम होता है। फिर आप एफ थ्री क्वेश्चन जो दिया हुआ लेट एफ एक्स माना था, वहाँ पर हम एक्स की जगह 3 रख देंगे तो यहाँ से आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना चलते हैं, तो 6th जो पार्ट आपका है एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है, एफ एक्स एक्स हम निकाल देंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, 0-2 आ जाएगा। सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड डिफरेंशिएशन को पहले 0 पर चेक करेंगे, नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद में हम -2 पर चेक करेंगे, तो उसके लिए फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो लोकल मिनिमम हो जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट जब फिर हम थर्ड वैल्यू पर हम इसे चेक करेंगे 1 के लिए, एट एक्स इक्वल 1 के लिए, तो एक्स इक्वल 1 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फिर पॉजिटिव आ जाएगा एफ डबल डैश 1। तो यहाँ से आपका जब पॉजिटिव आएगा तो एफ एक्स एज ए लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल 1 आ जाएगा, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो आपकी क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं सभी पर अलग अलग चेक किया जाता है आपका सेकेंड डेरिवेटिव को, तब आपको पता चलता है पॉजिटिव यदि वैल्यू आपकी आती है तो लोकल मिनिमम होता है, नेगेटिव वैल्यू आपकी आती है तो लोकल मैक्सिमा आपका हो जाता है। और जो आपका एफ एक्स वाला फंक्शन दिया हुआ होता है उसमें उस वैल्यूज को रख देते हैं तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू आपकी आ जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। इससे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको सभी को पता है लेट एफ एक्स इक्वल टू, तो आप सभी को मानोगे ही, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू मानने के बाद में ये हो गया, फिर डिफरेंशिएशन किया, फिर फोर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को जीरो के कॉल किया, तो एक्स की जो वैल्यू आई वो -1 आई। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट स्टूडेंट्स कभी फेल नहीं होता है, इसकी फिक्स वैल्यू आती है, चाहे मैक्सिमा आए या मिनिमा आए या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कभी भी फेल नहीं होता है।
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का जो हम कैसे निकालते हैं, आपकी जो क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं, अब देखिए यहाँ पर आपकी क्रिटिकल वैल्यूज आपकी क्या है, यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू आपकी -1 है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन -1, तो -1 से छोटी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स हम देखेंगे क्या आता है। तो एफ डैश एक्स -1 से छोटी वैल्यू आप जब लोगे तो मान लीजिए हम यहाँ -2 ले लेते हैं, -2 + 1 -1 की पावर 5 आ जाएगी, तो ये आपका नेगेटिव ही तो आएगा। फिर यहाँ देखिए व्हेन एक्स स्लाइटली ग्रेटर देन -1, जब -1 से आप बड़ी वैल्यू लोगे, मान लीजिए आप 0 ले लेते हैं, तो 0 + 1 की पावर 5 तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन आपके स्टूडेंट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुए। दस एफ डैस एक्स चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक्स इंक्रीज थ्रो -1। तो जब आपके साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होते हैं तो जो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू होती है एफ एक्स की, जब साइन आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपकी जो वैल्यू होती है सो एफ एक्स हैज ए लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -1। फिर -1 को आप क्वेश्चन में रख दोगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। यदि आपके साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके चेंज होते हैं लेस देन पर और ग्रेटर देन पर, पॉजिटिव टू नेगेटिव पर तो मैक्सिमा आएगा, क्या आएगा, मैक्सिमा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव पर क्या आएगा, मिनिमा आपका आ जाएगा, लोकल मिनिमा। इससे आगे देखिए सेकंड पार्ट आपका फिर इसी तरीके से दिया हुआ है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन किया एफ डैश एक्स 0 के इक्वल किया, आप एक्स की क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे दोनों वैल्यूज पर, पहले तो हम 2 पर निकालेंगे, स्लाइटली लेस देन लेंगे 2 से छोटी वैल्यू आपकी 1.9 हो जाएगी। जब आपकी 1.9 हो जाएगी तो ये नेगेटिव आएगा। अब यहाँ साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ है तो लोकल मिनिमम आपका हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 2 के लिए। अब नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, 4y3 है, 4y3 के लिए फिर हम ऐसे ही चेक करेंगे, एक बार लेस देन लेंगे एक बार हम ग्रेटर देन लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीज थ्रो 4y3 एफ डैश एक्स एज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 4y3 तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो एफ एक्स में जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वहाँ एक्स की जगह 4y3 रख दिया जाएगा, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो 4y27 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही सिस्टम दिया हुआ है, क्रिटिकल वैल्यू जो आपकी 3 आ चुकी है, 3 वैल्यूज पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया है, हर एक वैल्यू को अलग अलग ले लिया जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव साइन चेंज नहीं हुए हैं तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, हिंस देयर इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -3 अर्थात इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब फिर आप 0 पर देखोगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी, और नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका चेंज होगा साइन तो लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी होगी। देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो मिनिमम, और पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो आपकी वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और जो गिवन आपका फंक्शन है यदि उस वैल्यू को आप उसमें रख दोगे तो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इससे आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वो भी ऐसा ही है, डिफ्रेंशिएशन करना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, स्लाइटली लेस देन ग्रेटर देन, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हुए तो लोकल मैक्सिमम ये हो गया है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, और वो इसने यहाँ निकाल भी दी है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। उसके बाद में ये क्या है, ये भी फिर ऐसा ही है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी चेंज है ही नहीं, जब कुछ भी चेंजिंग आपकी नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर, टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। मैंने आपको अभी बार बार बताया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू गिवन फंक्शन को आप मानोगे, एफ एक्स इक्वल टू मानने के बाद फिर आप स्टूडेंट्स उसका एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स करने के बाद 0 के इक्वल करोगे, एक्स की आप वैल्यूज निकालोगे, जो भी वैल्यूज आपकी आती हैं सभी वैल्यूज पर अलग अलग चेक किया जाएगा, एक बार आप स्लाइटली लेस देन ले लेना, एक बार स्लाइटली ग्रेटर देन ले लेना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो मिनिमम होता है आपका, और यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो मैक्सिमा आपका होता है, क्या होता है, मैक्सिमा, और यदि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव साइन आते हैं तो वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टूडेंट्स हो जाता है। अब ये क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हैं, आगे हम चलते हैं,
आगे चलने के बाद आपको पता चलेगा क्या होता है, कुछ भी अलग है ही नहीं। तो यहाँ पर टाइम, फिर मैं आपको बता रहा हूँ वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ हमको नया मिलता है। अब यहाँ पर आपका एग्जांपल थर्ड, फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। तो केवल आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, लेट एफ एक्स इक्वल टू मानोगे, उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ डैस एक्स जीरो के इक्वल करोगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे, जो वैल्यू आपकी आएगी एक बार उसे स्लाइटली लेस देन लेंगे, एक बार उसे स्लाइटली ग्रेटर देन लेंगे, और उन वैल्यूज के लिए एफ डैस एक्स की वैल्यू फिर देखेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होती है तो आपका क्या होता है लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होती है तो लोकल मैक्सिमा आपका होता है, और यदि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आपका होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाती है। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू, फिर मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन करोगे, आप क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे, जीरो आ जाएगा, स्लाइटली लेस देन ग्रेटर देन पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम वैल्यू आप क्वेश्चन में रख करके निकाल दोगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं, कुछ भी स्टूडेंट्स इसमें नया है नहीं, इस वजह से मैं बार बार रिपीट नहीं कराना चाहता क्वेश्चन को। जब आपकी टाइप अलग आएगी तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा भाई कैसे आना है। ये आपके क्वेश्चंस चले हुए हैं सभी, इसको देखते हैं। तो आप देखिए, आपका फंक्शन पॉलीनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपका हो सकता है। फंक्शन चाहे कैसे भी हो, बाकी फॉर्मेट सभी में यही रहने वाला है। अब एग्जांपल फोर जो आपका दिया हुआ है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फिर आप एफ एक्स तो दिया हुआ ही है, तो इसमें आपको करना क्या है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ये आ चुका है, जीरो के इक्वल करना है, क्रिटिकल वैल्यू जो आपकी आ चुकी हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे, एट एक्स इक्वल टू टू पर सेकंड डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव आया, नेगेटिव पर ये मैक्सिमम होता है, अब सेकंड वैल्यू को आप रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू की पावर वन बाई थ्री, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स आप निकालोगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद कैलकुलेट किया जाएगा, जीरो के इक्वल किया जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस सेवन बाई फोर आपकी आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाई फोर आएगी, फिर आप सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे, इसने यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया है, आप यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज भी कर सकते हो, मैं कई कई बार आपको बता चुका हूँ। तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करिए, कोसाइन टूल इसने लगाया, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी ज़रूर है डिफरेंशिएशन निकालने की, परंतु डिफरेंशिएशन तो सभी पर आना ही चाहिए, जब डिफरेंशिएशन आप पर आ जाएगा तभी आप एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी फंक्शन में आपको कोई भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ सकता है, इसका कारण ये है। तो यहाँ देखिए, ये आपका सेकंड डिफरेंशिएशन आया, सेकंड डिफरेंशिएशन में हम एक्स की जगह माइनस सेवन बाई फोर पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पर ये क्या होता है स्टूडेंट्स, लोकल मिनिमम होता है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू जब आप निकालोगे तो एक्स की जगह जो गिवन क्वेश्चन आपका है वहाँ माइनस सेवन बाई फोर पुट कर दिया जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ सारे फंक्शंस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी सिस्टम तो वही रहने वाला है स्टूडेंट्स, देखिए, और ये थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्यों, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस साइन एक्स इक्वल जीरो, तो साइन एक्स इक्वल जीरो आया, बट वी नो दैट साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, फोर जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, आप सभी को पता है कि यहाँ साइन एक्स इक्वल टू जीरो आया है, परंतु क्या होता है कि हम जानते हैं कि साइन एक्स जीरो के इक्वल नहीं होता, जो आपका गिवन इंटरवल क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ एक्स हैज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, जीरो लेस देन एक्स लेस देन
पाई पर। तो ये आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, हेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स माइनस एक्स, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू पाई। यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप यहाँ से टू कॉस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, कॉस टू एक्स इक्वल टू वन बाई टू, तो टू एक्स इक्वल टू, अब यहाँ देखिए वन बाई टू कितने कितने डिग्री पर कॉस होता है, पाई बाई थ्री पर होता है, पाई बाई थ्री और फिर उसके बाद में फाइव पाई बाई थ्री पर आपका ये होता है। फिर x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो आपकी x की वैल्यू आपकी ये निकल आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप क्या करोगे, अब आपको देखिए ये वैल्यू आपकी आई कैसे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा। ये आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब आपको ये तो पता ही है कि वन बाई टू पाई बाई थ्री पर होता है, परंतु ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए तो क्या होगा, टू पाई माइनस पाई बाई थ्री और कर दिया जाएगा, तो तीन दूनी छः, छः में से एक गया, फाइव पाई बाई थ्री आपका इस तरीके से आएगा। तो कॉस को यहाँ पॉजिटिव लिया गया है, इस वजह से आपकी दो वैल्यूज आपकी यहाँ आई हैं। तो x की दो वैल्यूज आपकी हो चुकी हैं, अब एफ डे से एक्स आप निकालोगे, अब आप फर्स्ट वैल्यू पर इसकी वैल्यू निकालोगे नेगेटिव, तो मैक्सिमा हो जाएगा, पाई बाई सिक्स को आप क्वेश्चन में रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद में आप क्या करोगे, एट एक्स इक्वल फाइव पाई बाई सिक्स, तो एफ डबल डैश फाइव पाई बाई सिक्स यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो लोकल मिनिमम क्वेश्चन में फाइव पाई बाई सिक्स रख दिया जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हेयर एफ एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स माइनस एक्स, तो ये आपका लाई करता है माइनस नाइन्टी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, तो एफ डेस एक्स टू कॉस एक्स माइनस वन, डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए जीरो के इक्वल, कॉस एक्स इक्वल टू वन बाई टू, आपको पता है माइनस नाइन्टी टू प्लस नाइन्टी के लिए आप जो वन बाई टू होता है कॉस किस पर होता है, ये पाई बाई थ्री पर होता है। और कौन से क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और कौन से में पॉजिटिव होता है, तो आपका क्या होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका होता है वो कॉस नेगेटिव आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये वैल्यू जा चुकी हैं, डबल डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट वैल्यू को रखा जाएगा नेगेटिव पर, मैक्सिमम आ जाएगा, और फिर सेकंड वैल्यू को पॉजिटिव आएगा तो उस पर लोकल आपका मिनिमा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस एक्स, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, एफ डेस एक्स इक्वल माइनस टू साइन एक्स प्लस वन, आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फिर आप क्रिटिकल वैल्यूज निकालोगे, आप इसे जीरो के इक्वल करोगे, तो आप जीरो के इक्वल करोगे तो साइन एक्स इक्वल वन बाई टू आएगा। तो यह आपका इंटरवल दिया हुआ है, वैल्यूज को हमें इंटरवल के अंदर ही लेना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स जो यहाँ से आपकी आएगी, तो ये वन बाई टू कितने पर होता है, पाई बाई सिक्स पर ये आपका होता है। जब ये पाई बाई सिक्स पर होता है तो उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा भाई। फिर आप जब पाई बाई सिक्स ये पॉजिटिव है तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स और आप ले लोगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में से जब आप कुछ माइनस करोगे तभी तो साइन पॉजिटिव आएगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स आपका आ जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज आपकी आई, वैल्यूज आने के बाद सेकंड डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट वैल्यू को पुट किया तो नेगेटिव आया, तो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आपका पाई बाई सिक्स है वो एफ एक्स में रख दिया जाएगा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद में इसको सेकंड वैल्यू को हम लेते हैं फाइव पाई बाई सिक्स, करने के बाद में आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू रखने पर आपका पॉजिटिव आ चुका है, तो ये आपका लोकल मिनिमम हो जाएगा। लोकल मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से निकाल दोगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका है फिफ्थ पार्ट, इसमें देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव बाई टू आपका दिया हुआ है। उसके बाद में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किससे, प्रोडक्ट रूल से। जब आप इसे खोलोगे साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस एक्स और फिर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का वन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी कॉस एक्स में, तो ये टू कॉस एक्स माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस वन, इसके फैक्टराइज होंगे, फोर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू,
एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ आइदर कॉस एक्स इक्वल टू वन वाई टू और कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो कॉस एक्स इक्वल टू वन वाई टू कितने पर हो जाएगा, फाइव वाई थ्री पर हो जाएगा। फिर आप इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपका इंटरवल है वो 0 to 90 दिया हुआ है। 0 to 90 में जो कॉस फंक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव वैल्यू को इसने फिल नहीं दिखाया है यहाँ पर। तो x इक्वल टू फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री को आप सेकंड डिफ्रेंशिएशन निकाल करके आप यहाँ दिखाओगे। सेकंड डिफ्रेंशिएशन आपका ये आया, x की जगह फाइव बाई थ्री रखा, फाइव बाई थ्री रखने का सॉल्व किया तो नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू फाइव बाई थ्री, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी, जो क्वेश्चन आपका दिया उसमें वैल्यू रख दी जाएगी। कॉस फाइव बाई थ्री आपको पता है कॉस सिक्सटी क्या होता है, तो कॉस सिक्सटी जो होता है उसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया जाएगा, कॉस सिक्सटी की वैल्यू को। अच्छा जी, उसके बाद में इसे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो भाई साइन सिक्सटी तो होता है अंडर रूट थ्री बाई टू होता है, अंडर रूट थ्री बाई टू, और ये आपका क्या होता है, आपका जो कॉस सिक्सटी होता है। तो ये भी आपका जो है देख लेना, उसको टेंथ की टेबल आपको दी हुई है, आपको मैं बता देता हूँ, फिर रिवाइज मैं आपको करा दूँ। कॉस जीरो जो होता है वो वन होता है, कॉस थर्टी जो होता है वो अंडर रूट थ्री बाई टू होता है, कॉस फोर्टी फाइव जो होता है वन ओवर अंडर रूट टू होता है, कॉस सिक्सटी जो होता है अंडर रूट थ्री बाई टू होता है। ये आपके सारा कुछ होता है यहाँ पर, इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आ जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन बाई टू कॉस टू एक्स। तो जीरो टू नाइन्टी इसमें क्या दिया, इंटरवल दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज आप निकालोगे, क्रिटिकल वैल्यूज आपकी जीरो और वन बाई टू आपकी आ जाएगी। तो कॉस जीरो किस पर होता है, 90 पर होता है, साइन एक्स वन बाई टू कितने पर होता है, पाई बाई सिक्स पर होता है। सेकंड डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, दोनों वैल्यूज जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे, पॉजिटिव आया पाई बाई टू पर तो लोकल मिनिमम हो गया। यदि ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी निकल आएगी, उसके बाद जो हमारा सेकंड है, सेकंड जो वैल्यू है पाई बाई सिक्स है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल पाई बाई सिक्स, तो एफ डबल डैश पाई बाई सिक्स माइनस साइन पाई बाई सिक्स माइनस टू कॉस पाई बाई थ्री। उसके बाद में आपका ये आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पर लोकल मैक्सिमम होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल दोगे, जो आपका लेट एफ एक्स फंक्शन आपने माना था वहाँ पर एक्स की जगह पाई बाई सिक्स रख दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हेयर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आपका दिया हुआ है, ई की पावर एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, और यहाँ जीरो टू टू पाई आपका इंटरवल दिया हुआ है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आप निकालोगे, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो गया फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जब जीरो आप करोगे तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यूज आपकी आएंगी यहाँ से थ्री पाई बाई फोर और सेवन पाई बाई फोर आपकी आ जाएंगी। तो थ्री पाई बाई फोर और सेवन पाई बाई फोर आने के बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ ये देख लेना है स्टूडेंट्स कि जो आपकी एक्स की वैल्यू जो आपकी आएंगी जीरो से टू पाई तक, ये कहाँ पर ये पॉजिटिव आपके होते हैं, ठीक है। तो थ्री पाई बाई फोर सेवन पाई बाई फोर आपकी वैल्यू जाएंगी। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसको करने के लिए आप यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करोगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करने के बाद आपका ये आएगा, कॉस एक्स की जगह थ्री पाई बाई फोर रखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। फिर आप क्या रखोगे, आज लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर एट एक्स इक्वल टू सेवन पाई बाई फोर के लिए एफ डबल डैश सेवन पाई बाई फोर ये है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पर ये लोकल मिनिमम हो जाएगा, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी तरीके से आपका जो ये है पार्ट जो एट है, हेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू पाई आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है, फिर आपको यहाँ से एफ डैश एक्स निकालना है, फिर कॉमन लेना है सिंप्लीफाई करके, फिर आपको ये क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू कॉस डी माइनस सी वाई टू आपका हो जाएगा। फिर आपका ये आएगा फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जीरो के कॉल किया जाएगा, जब जीरो के कॉल आप करोगे तो कॉस थ्री एक्स वाई टू इक्वल टू जीरो, फोर तो जीरो में ऑलरेडी पहले ही चला गया है, कॉस फाइव वाई टू इक्वल टू जीरो आपका हो जाएगा। तो ये जीरो के कॉल हो गया, तो थ्री एक्स वाई टू
जीरो किस किस डिग्री पर होता है कॉस, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी ये निकल आएगी। इन वैल्यूज़ में से हम किस वैल्यूज़ को लिया जाएगा जो इस इंटरवल के बीच में सेटिस्फाई करती हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स वाई टू इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स वाई टू इक्वल टू पाई वाई टू, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, x की जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी पाई वाई थ्री, पाई और फाइव पाई वाई थ्री आपका आ जाएगा। सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे, पाई वाई थ्री को रखोगे, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर आपका जो है उसके बाद में फिर सेकंड वैल्यू पाई को आप रखोगे यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड डेरिवेटिव आपका ये आया, थर्ड ये आया, तो x इक्वल पाई इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ से ना तो ये नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव आता है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका हो जाएगा। फिर थर्ड वैल्यू पर आप चेक करोगे, थर्ड वैल्यू पर चेक करने के बाद आपको यहाँ फिर उसी सेकंड डिफरेंशिएशन वैल्यू फाइव पाई वाई थ्री रख देनी है। फाइव पाई वाई थ्री रखोगे तो ये आपका टू पाई माइनस पाई वाई थ्री क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। उसके बाद में टेन पाई वाई थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर पाई माइनस टू पाई वाई थ्री। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा, इनकी वैल्यू रख दी है, पॉजिटिव आ जाएगा, तो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। लोकल मिनिमम के लिए फिर इस सेकंड वैल्यू को हम रखेंगे तो ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आपका दिया हुआ है। साइन एक्स दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे कॉस एक्स आ जाएगा। फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करोगे, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी ये आ जाएगी। ये एलेवंथ के चैप्टर थर्ड में आपने किया होगा। तो यदि कॉस एक्स इक्वल जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू टू एन प्लस वन इंटू पाई वाई टू आपका होता है। सेकेंड डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस साइन एक्स की वैल्यू आपकी ये दी हुई है, तो ये हमने लिख दिया है। तो पाई वाई टू को अंदर खोलोगे एन पाई प्लस पाई वाई टू हो जाएगा। इसके बाद में फिर क्या होगा, माइनस तो आ गया आपका है ही, माइनस वन की पावर एन साइन नाइन्टी आपका आ जाएगा। साइन नाइन्टी आपका वन होता है, तो ये आपका माइनस वन की पावर एन प्लस वन आपका यहाँ बन जाएगा। ये इससे आगे देखिए क्या करना है, केस फर्स्ट। अब दो केस यहाँ पर बनेंगे, एन इज एन इवन इंटीजर, पहला केस तो आपका ये बनेगा, तो एन क्या है, इवन इंटीजर है, तो एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो माइनस वन की पावर एन प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आपका आया, एफ एक्स एज ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई वाई टू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर वैल्यू के लिए इसको रख देंगे यहाँ पर, इससे आगे चलते हैं हम। तो आगे आप चलोगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आंसर आपका ये होगा। एन में क्या है, ऑड इंटीजर, एन प्लस वन करोगे तो इवन हो जाएगा। इवन वाले फंक्शन में एफ एक्स एज ए लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई वाई टू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए आप यहाँ एक्स की जगह टू एन प्लस वन इंटू पाई वाई टू आप यहाँ रख दोगे। रखने के बाद में फिर आप क्या करना है, फिर इसकी वैल्यू आप फिर निकाल दोगे तो ये आपका माइनस वन आ जाएगा। हेंस लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू एन प्लस वन की इंटू पाई वाई टू वैन इज इवन, और लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी किस पर, माइनस वन एट एक्स इक्वल टू एन प्लस वन पाई वाई टू वैन एन इज ऑड। इससे आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन बाई एक्स की पावर एक्स इज ई की पावर वन बाई ई, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको ये निकालनी है। तो डिफरेंशिएशन लेट वाई इक्वल टू किया, डी वाई और डी एक्स किया, भाई पहले तो लॉग ही लोगे आप, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी हुई है, तो लॉग वाई इक्वल टू माइनस लॉग एक्स हो जाएगा ना, तो माइनस एक्स आगे लॉग एक्स हो गया। डिफरेंशिएशन किया, करने के बाद आपका ये आया। इसको आने के बाद में सेकंड डिफरेंशिएशन किया, प्रोडक्ट रूल लगा करके, तो आपका फंक्शन आगे चला। आगे चलने के बाद में आपका ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, जब हम फर्स्ट भी कर चुके हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन भी कर चुके हैं, अब आपका रह क्या रहा है, डी वाई और डी एक्स इक्वल टू किसके, जीरो के। तो वन प्लस लॉन्ग एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो लॉन्ग एक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा,
तो माइनस इसकी जगह हम माइनस ए वन की जगह जो माइनस लॉग ई है रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लॉग ई वन होता है तो माइनस लॉग ई हो जाएगा, लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, अब यहाँ माइनस वन को ले जाएंगे ऊपर तो लॉग ई की पावर माइनस वन हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा लॉग वन अपॉन ई, और लॉग से लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ये दिखा रहा था लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वन अपॉन ई, तो एक्स इक्वल टू लॉग से लॉग कैंसिल हुआ तो एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई, तो एट एक्स इक्वल वन अपॉन ई सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, तो नेगेटिव पर तो लोकल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वैल्यूज आप निकाल दोगे, फिर आप क्या करोगे मैक्सिमम वैल्यू ही इसमें पूछी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट आपका क्या दिया हुआ है, सो दैट साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा अटेन्स ए मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू, ये आपको सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, इसमें क्या आता है तो सिद्ध कैसे करोगे ये आपको देखना है। तो देखिए लेट वाई इक्वल टू मान लिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया, करने के बाद इसमें जो जो था यहाँ पर जैसे पी साइन पी माइनस वन कॉस, अब देखो कॉस की पावर क्यू है, कॉस थीटा की पावर वन है, कॉस की पावर हो गई क्यू प्लस वन, इस तरीके से हमने ये ऐड कर दिया। उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ से आप यहाँ पर देखिए साइन पी माइनस वन कॉस क्यू माइनस वन कॉमन ले लिया जाएगा, तो अंदर पी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा आपका आएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। ध्यान से देखिए, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा ये आया यहाँ से, ये कैसे आया कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या मल्टीप्लाइंग कर देना, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाइंग करना। तो जब साइन थीटा कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है साइन थीटा से तो साइन पी हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस क्यू माइनस वन से कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये है ही जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ है। उसके बाद में हम चलते हैं साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा, और फिर इसके अपॉन वाला करिए, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, और एक साइन कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा माइनस क्यू टेन थीटा। इससे आगे जब हम चलेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आएगा फोर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई इक्वल टू डी थीटा डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू जीरो आपका आएगा फोर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए। तो हम इसे जीरो के इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करने के बाद आपको करना क्या है भाई, साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा इंटू पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा इक्वल टू जीरो है, तो आइदर साइन पी थीटा जीरो के इक्वल हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा जीरो के इक्वल हो जाएगा, पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल पाई बाई टू, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल पी अपॉन क्यू। यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर की वैल्यू, टेन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल आएगी, कोई इतनी बड़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और निकलेगी भी कैसे देखिए, पी कॉट थीटा इक्वल टू क्यू टेन थीटा आपका हो चुका है। इसके बाद में पी अपॉन क्यू, और यहाँ क्या क्या आ जाएगा टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका टेन स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो टेन थीटा इक्वल टू बन जाएगा आपका अंडर रूट पी अपॉन क्यू बन जाएगा आपका पी अपॉन क्यू। जब आप इसका क्या करोगे टेन थीटा की वैल्यू थीटा निकालोगे तो टेन इनवर्स पी अपॉन क्यू आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा टेन इनवर्स पी अपॉन क्यू। तो थीटा की वैल्यू है, अब थीटा इक्वल जीरो, थीटा इक्वल पाई बाई टू, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू आपका है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डी वाई और डी थीटा निकालोगे तो आपका ये है, सेकंड डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये आया। क्या लेता है थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू हम निकाल चुके हैं, सेकंड डिफ्रेंसिएशन किया, सेकंड डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपको क्या करना है, माइनस साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा इंटू पी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू नेगेटिव। तो वाई इज ए मैक्सिमम वैन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू आपका आ जाएगा। इससे आगे जो अगला जो क्वेश्चन आपका है क्या दिया हुआ है उसमें, इट इज़ गिवन दैट एट एक्स इक्वल टू वन, तो वन के लिए फोर द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम
वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2, फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए, ए की सभी वैल्यूज निकालनी है। एफ एक्स दिया हुआ, एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स को 0 के कॉल करोगे, वहाँ से आपकी क्रिटिकल वैल्यू आपकी निकल आएगी। जो एफ डैश एक्स जो आपका निकला है, यहाँ से जो क्रिटिकल वैल्यूज आपकी हैं क्या हैं वो देखिए। इंटरवल तो आपका दिया हुआ है कितना, 0 से 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0 से 2। तो एफ डैश एक्स आपका आ चुका है 4x³ - 1, 24x+a आपका आ चुका है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 1। तो 1 पर क्या है, ये देखो 1 यहाँ दिया हुआ है, कहीं आप सोचने लगो कि ये 1 कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 1 एफ डैश 1 आपका रखने पर आपका ये आया, सेकंड डिफ्रेंसिएशन रखने पर ये। तो एफ डबल डैश 1 आपका हो जाएगा नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी और ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दी फंक्शन वाई इक्वल टू ए लॉग एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यूज पूछिए, तो स्टूडेंट्स करोगे क्या, इसमें वाई इक्वल टू दिया हुआ है, डी वाई और डी एक्स आप निकालोगे। नाउ इट इज गिवन दैट वाई हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2। तो ये वैल्यूज यहाँ आपको दी हुई हैं। तो आप 1 पर चेक करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो ए प्लस 2b + 1 इक्वल 0 हो जाएगा। 2 पर करोगे तो ए वाई 2 + 4b + 1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी। इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, जैसे आप 10th क्लास में करते थे, इलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। अब आपका जो ये है क्वेश्चन नंबर 11, तो ये आपका दिया हुआ y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 हैज ए टर्निंग पॉइंट एट पी की वैल्यू है 2 - 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सो दैट y इज मैक्सिमम एट पी। तो क्या है, मैक्सिमम दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सो दैट y इज मैक्सिमम, सो करना भी है इसमें, क्या करना स्टूडेंट्स, सो करना है। तो डी वाई डी एक्स निकालोगे कोसाइन रूल से, ये आया, डिफ्रेंसिएशन किया एट एक्स इक्वल टू 2 पर डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू निकाली, तो b की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आई, 0 आपकी आ चुकी है। जब b की वैल्यू आपकी आ चुकी है तो यहाँ पर p 2 - 1 लाई ऑन दी कर्व, तो यहाँ y एक्सिस को y एक्सिस के इक्वल कर दिया जाएगा, माइनस 1 के इक्वल कर दिया जाएगा, 2a इक्वल टू 2 हो गया। तो a इक्वल टू, अब हम क्या सोचते हैं यहाँ पर, भाई a इक्वल टू 2/2 जब आप करोगे, 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो a इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, a और b की वैल्यूज का फर्स्ट में आप रखिए, उस यहाँ से फिर स्लाइटली लेस देन 2 और स्लाइटली ग्रेटर देन 2, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका साइन चेंज हो रहा है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये आपकी रखेगी एट एक्स इक्वल टू 2 पर। इससे आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है, आगे सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ये ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये आपका दिया हुआ 3x + 5, एफ डैश एक्स आपका 3 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, एफ डैश एक्स इक्वल 0 करोगे, तो यहाँ पर जब आप 0 करोगे इसे, तो ये आपका आ जाएगा 3x + 5 इक्वल टू आप 0 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना, पहली बात तो आपकी ये है, तो ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू थी, तो आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये आपका 3 आएगा। 3 तो अपने आप ही कॉन्स्टेंट है, आपको पता है 3 = 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस 3x + 5 डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, तो ना तो मैक्सिमा रखता है ये ना मिनिमा रखता है। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए, सेकंड भी क्या दिया हुआ है, लेट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई पावर एक्स आपका डिफ्रेंसिएशन आपका आ जाएगा। तो ये सेम रहा, फोर मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ई की पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। हैंस एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 डज नॉट है मैक्सिमा और मिनिमा। थर्ड पार्ट आप देखिए,
फिर वही बात है, आपको डिफरेंशिएशन तो कराना ही पड़ेगा। कोसाइन रूल से बच्चे हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या आएगा डिफरेंशिएशन, माइनस वन ओवर फाइव एक्स प्लस सेवन का स्क्वायर, फोर लोकल मैक्सिमा मिनिमा, जीरो के इक्वल चला जाएगा। जब जीरो के इक्वल आप इसे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो में चला जाएगा और ये आपका माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो आपका यहाँ से आ जाएगा। जब वाई इक्वल टू ये आने के बाद में, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका क्या आएगा इसको देखते हैं हम, ये आपका आ जाएगा देखिए। तो यहाँ पर हैंस एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री ओवर फाइव एक्स प्लस सेवन डज नॉट हैव ए मैक्सिमा और मिनिमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव्स। तो विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव्स करना है। यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर के बाद में यदि इसके कुछ भी कोई वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव नंबर में, कैसा नंबर दिया हुआ है, पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर आगे दिया हुआ है, तो वो मिनिमम वैल्यू होती है। क्या होती है, मिनिमम वैल्यू रखता है, और मिनिमम वैल्यू आपकी जो पॉजिटिव नंबर होता है वो ही आपकी आ जाती है। अब यहाँ देखिए, यदि परफेक्ट स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है तो वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी रखेगा, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी वो होगी जो पीछे आपका नंबर दिया हुआ होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। इससे आगे हम क्या करेंगे, थर्ड को देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन आपका ये आ चुका है, तो इसके बाद में दस देयर इज़ नो मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, तो ये ना तो मैक्सिमम होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू आपकी होगी। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू ये है, तो इसमें क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रख दी जाएगी, तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो आपका ये आपका जो है मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन फोर एक्स प्लस थ्री, तो साइन फोर एक्स प्लस थ्री का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तो यह आ जाएगा वन, मैक्सिमम वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू साइन की होती है माइनस वन, तो यह माइनस वन रख दिया जाएगा तो यह आपका टू आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की हो जाएगी फोर और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी टू इस फंक्शन के लिए। इससे आगे हम देखते हैं, इससे अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है तो वो है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स किसके बीच में लाई करता है, माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू वन के बीच में। अब क्या है, साइन लिया जाएगा, इधर भी लिया जाएगा, इधर भी लिया जाएगा, ये साइन हम ले चुके हैं। अब आप क्या करो, दस दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज साइन वन, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम साइन वन हो सकती है, एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस साइन वन, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन वन और मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस साइन वन आपका हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, इसको सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन प्लस फोर प्लस ट्वेंटी फोर, इसमें हमने इसे चेंज कर दिया थोड़ा सा, क्यों चेंज किया, क्योंकि अब ये जो है ना, ये आपका जो बनेगा फोर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, जब ये होल स्क्वायर पॉजिटिव है और पीछे पॉजिटिव नंबर है तो ये आपका कैसी वैल्यू रखता है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू रखता है, कैसी वैल्यू रखता है, मिनिमम वैल्यू। आगे देखते हैं, चलिए आगे ये वीडियो आपका ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स, थोड़ी जल्दी वीडियो कराया था लंबे होने की वजह से, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।